तो हेलो भाई लोग, यार कैसे हो। मैं हूँ आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हो हमारा और आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में यार थोड़ी सी बातें होने वाले फील्डिंग एनिमेशंस के बारे में और जो ये ग्राफिकल चेंजेस हैं गाइस यार इनके बारे में। तो गाइस मेनली यहाँ पे बात होने वाली फील्डिंग एनिमेशंस के बारे में। तो गाइस यार, अभी तक आपने यार लाइक नहीं किया ना यार, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, किस बात का इंतजार करते हो। तो चलो तब तक वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो भाई लोग यार, रियल क्रिएट में जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड चीज़ है 2018 से, देखो 2018 से जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड चीज़ है ना गाइस, वो है यार मैं कहूँ तो हमारा ये फील्डिंग एनिमेशन। जी हाँ गाइस यार, क्योंकि देखो ग्राफिकल चेंजेस तो हुए हैं गेम में, ग्राफिकल चेंजेस हुए हैं, बट अगर मैं कहूँ गेम प्ले में चेंजेस नहीं हुए। जी हाँ गाइस, मतलब गेम प्ले में जैसे शॉर्ट्स वगैरह में तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए, हाई जाते पहले नीचे जाते थे, इस टाइप के तो चेंजेस हुए हैं गाइस। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जैसे ये प्लेयर बिहेवियर, जैसे कि प्लेयर्स की मूवमेंट वगैरह है ना गाइस, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। यानी अगर बोलूँ तो 0% यार। तो देखो यार, ये चीज़ तो कंफर्म कर दी थी अनुज मांकर सर ने कि मोशन कैप्चर आने वाला है गेम में। तो देखो आप, मोशन कैप्चर आ रहा है तो मोशन कैप्चर यार फील्डिंग में भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें आएगा इसमें आएगा, देखो ऐसा होगा ना तो ऐसे कहेंगे फील्डिंग वाले, साला हराम खोर मेरी बात ना सुनता है, मैं सब बैटिंग शॉट, बॉलिंग शॉट, फलाना शॉट, ढकाना शॉट, ये शॉट, वो शॉट, भरोसे वाला शॉट, जो भी शॉट है सबके बारे में ध्यान देते हो पर मेरे पे नहीं देते हो। देखो पाप लगेगा अगर ऐसा करोगे तो। हाँ तो देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे, ग्राफिक में तो चेंज हुआ था 2019 में, लेकिन गाइस यार देखोगे जो प्लेयर्स की मूवमेंट है ना, मतलब जैसे बॉल फेंकता है, मतलब जो थ्रो का टाइप है, ये सब गाइस यार मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं अगर बेसिकली कहूँ तो। ये सच है और आपको भी पता होगा कि यार ये मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं और फील्डिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि जब बोला गया था, आज कभी भैया ने बोला था कि यहाँ पे जो था ना ये मतलब उनको प्लेयर के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाउंड्री कैचेस, जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, बाउंड्री रोप के पास कैचेस, और हो सकता है यहाँ पे दूसरे प्लेयर को भी कैच पकड़ने को दिया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले प्लेयर अपने आप को पहले कैच पकड़ते हैं, उसके बाद कैसे भी बैलेंस करके बॉल को अंदर फेंकता है तो दूसरा फील्डर पकड़ लेता है उसको। तो गाइस कुछ इस टाइप का कैच आ सकता है और इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको स्लाइडिंग कैच, देखो स्लाइडिंग कैच कैसे होता है तुमको भी पता होगा कि फील्डर कैच पकड़ के काफ़ी ख़तरनाक फिसलता है। हाँ एक कैच है गाइस जो फील्डर सामने तरफ दौड़ के आता है और काफ़ी तगड़ा वाला यार कैच पकड़ता है, ये वाला तो है, बट गाइस यार एक दो से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो एक, अब मैं बोल दूँ कि यार पूरी दुनिया, मतलब पूरे गेम में, मतलब पूरे जितने भी हैं, जैसे कि मान लो पूरी रियल लाइफ में आपको 200 से 300 शॉट तक आराम से देखने को मिल जाते हैं, तो अभी मैं उसकी जगह यार मतलब 50 शॉट रख दूँ तो थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये चीज़ अच्छा एग्जांपल मैंने दिया, जैसे कि रियल क्रिकेट में बैटिंग शॉट्स की कमी भी है, क्योंकि यार 70 के आसपास शॉट है, इससे ज़्यादा आई थिंक शॉट्स नहीं है। तो इससे यार आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार मतलब कितनी ज़्यादा कमी है फील्डिंग एनिमेशंस की। तो यार ये चीज़ इनको लानी पड़ेगी और जी हाँ ला भी रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे फील्डिंग एनिमेशन में आपको मेन चीज़ क्या देखने को मिल सकती है, मुझे लगता है गाइस यार ये थोड़ा सा ये जो ड्रामा होता है ना, यहाँ पे ड्रामा भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। स्लेजिंग, जैसे कि कैच के वक्त यहाँ पे हो सकता है कि बैट्समैन और बॉलर या फिर फील्डर और बैट्समैन में थोड़ी सी मतलब ऐसी कहा सुनी हो सकती है, मतलब थोड़ा इस टाइप का भी एनिमेशन देखने को मिल सकता है। बट आपको फील्डिंग में पूरी तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे, आई थिंक WC3 या उससे भी बेटर देखने को मिल जाए। बट मैनुअल कैचिंग, जी अगर इस मैनुअल फील्डिंग आप कहोगे, मैनुअल फील्डिंग है तो वो मैनुअल फील्डिंग की बात नहीं कर रहा कि आप फील्डर इधर रखो उधर रखो, मैनुअल फील्डिंग की बात कर रहा हूँ आपको, जैसे कि WCC में आप देखते हो कैच पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, जैसे सचिन सागा में कैच पकड़ने के लिए खुद से कैच पकड़ना पड़ता है, और डायरेक्ट हिट मारने के लिए जैसे WCC में होता है, कुछ उस टाइप से हो सकता है RC में आ जाए। तो मतलब आप लोग यार समझदार हो यार, समझ गए होगे। तो इस टाइप के फीचर्स की मैं बात कर रहा था, तो यार मतलब बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। और जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको स्टंप्स में जो ये ऐसा होता है ना, स्टंप्स में अगर आप बॉल कभी भी मारोगे या कभी भी लगता है, मैं बॉल आउट की बात नहीं कर रहा गाइस, जैसे रन आउट के लिए कभी भी बॉल लगता है तो आप देखोगे लास्ट वाला स्टंप, मिडिल स्टंप में एक लड़खड़ाया रहेगा और बेल्स गिरी रहेगी, इससे ज़्यादा कोई एनिमेशन नहीं है रन आउट के टाइम में। तो गाइस इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे यार जब बोल्ड करते हैं तो भाई साहब स्टंप ही उखड़ जाता है कुछ इस टाइप
टाइप का एनिमेशन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, आँख कान नाक गुर्दे यार सबसे बुरा लगता है, कर दो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।